दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेवाड़ हिस्ट्री का प्रीवियस हिस्सा नहीं देखा तो सही से समझने के लिए पहले उसे देख ले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। अमरसिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी सन। अमरसिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जिनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ था। अमरसिंह प्रथम के पुत्र कर्णसिंह व सिसोदिया सरदारों के कहने पर अमरसिंह ने 5 फरवरी 1615 ईस्वी सन में मुगलों के साथ संधि की तथा कुछ शर्तें रखी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ के शासकों का, लेकिन दुर्ग की मरम्मत कभी नहीं करा सकेंगे। मुकल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं। मेवाड़ महाराणा मुकल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा आदि। अमरसिंह प्रथम का देहांत 26 जनवरी 1620 को हुआ तथा इनकी छत्री आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। अमरसिंह मेवाड़ का पहला महाराणा था, जिसने मुगलों के साथ संधि की तथा जहांगीर ने एकमात्र मेवाड़ राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी। इस संधि के बारे में कथन कर्नल टॉड ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। कर्णसिंह 1620 से 1628। पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महल निर्माण कार्य कर्णसिंह ने प्रारंभ किया था तथा इसको जगतसिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। कर्णसिंह ने 1623 से 24 ईस्वी सन में शाहजहां यानी शहजादा खुर्रम को पिछोला झील के जगमंदिर महल में शरण दी। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगमंदिर महल को देखकर शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। कर्णसिंह ने कर्णविलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था। जगतसिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी सन। जगतसिंह प्रथम ने पिछोला झील के किनारे बने जगमंदिर महल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जगतसिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कृष्णजी भट्ट थे। जगतसिंह प्रथम ने धाय माँ नौजूबाई के नाम पर नौजूबाई का मंदिर बनवाया। दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। मिलते हैं मेवाड़ हिस्ट्री के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।